बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 17 नवंबर 2021 का दिन जो है हमारी तारीख का एक रोशन दिन है कि जब पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में अलकरम यूनिवर्सिटी का बिल पास हुआ। मैं ऐसे मौके पर अपने हजूर गरीब नवाज, बतले हुरियत, पैकर इस्तेकामत, मुजाहिद खत्म नबूवत, हज़रत किबला पीर मोहम्मद अमीनुल हसनात शाह साहब मदज़िल-उल-आली सजादा नशीन आस्ताना आलिया भेरा शरीफ, जुमला असाज़ा किराम और आस्ताना आलिया अमीरुल सालिकीन के जुमला मोताक़िदीन मुतवसलीन और अवामे अहले सुन्नत को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं इस मौके पर ये कहना चाहूँगा कि ये एक महज वाक़या नहीं है, बल्कि ये हमारे हजूर गरीब नवाज की इस्तेकामत, दूर अंदेशी और आपके विजन का एक मुंह बोलता सबूत है। यूनिवर्सिटियाँ एक फ़र्द के लिए नहीं होती, यूनिवर्सिटियाँ कौमों के लिए होती हैं और इस कौमों की इस जंग में हमारे हजूर ने जो तालीमी मैदान में ये एक बहुत बड़ा काबिल फ़ख्र कारनामा सा अंजाम दिया है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह हजूर सैयदी ज़ियाउल उम्मत मुफस्सिर कुरान मुफक्किर इस्लाम नबाज़ असर गौसे दौरान गौसे ज़मा हज़रत पीर मोहम्मद करम शाह अल-अज़री रहमतुल्लाह ताला अलैह का फैज़ जो है अब न सिर्फ दारुल उलूम हमदिया गौसिया बल्कि अब अलकरम यूनिवर्सिटी की सूरत में भी चार दांग आलम में रोशनी बखेरेगा और इससे हमारी आने वाली नस्लें भी मुस्तफीद होंगी। हम इस मौके पर जानशीन हजूर ज़ियाउल उम्मत के एहसान मंद भी हैं, शुक्रगुजार भी हैं और हमारी आने वाली नस्लें भी आपका शुक्रिया अदा करती रहेंगी और आपके मोहब्बतों की मकरूज़ रहेंगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।